दमार को रिवाइवल देना काफी ज्यादा रिस्की रहेगा, लेकिन डी के प्लेयर्स रात के प्लेयर्स अभी तक इंतजार कर रहे हैं। डी टोटली फाइट के अंदर इंगेज करती हुई टीम फाल्कन स्पोर्ट्स के अगेंस्ट, लेकिन पीछे से टीम सेवन सीज भी आती हुई इस फाइट के अंदर अपना हिस्सा डाले, लेकिन डी के चार ही सर घुटनों पर आ जाते हैं। फाल्कन के यूसफ कोशिश कर रहे हैं, टीम सेवन सीज के सारंग सामने की तरफ ब्रोकन वॉल का कवर लेते हैं। टीम फाल्कन पूरी तरह से यहां पर पिंच डाउन होती हुई तीन से चार टीम्स के दरमियान, लेकिन कौन सी टीम यहां से बाहर निकलेगी? सारंग घुटनों पर आते हुए स्प्रे गॉड बैक एंड से कवर प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश करते हैं और फाल्कन के आखिरी प्लेयर को इस मैच एलिमिनेट कर दिया जाता है टीम सेवन सीज के हाथों। फर्स्ट टीम एलिमिनेशन का जो रिवॉर्ड था वो भी टीम सेवन सीज अपने बैकपैक में लेकर जाते हुए, लेकर रात के प्लेयर इस सारे मंजर को देखते हुए, सारी भसड़ को देखते हुए वो अपने आप को किनारा कश कर चुके हैं और वो नहीं चाह रहे कि वो इस सारी चक्की के अंदर पिसते हुए नजर आए। लेकिन अभी के लिए रात के दिशा वो काफी ज्यादा बीच के अंदर फंस चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, इस मैच से एलिमिनेट भी किया जा सकता है। लेकिन सेवन सीज के प्लेयर के ऊपर अपने क्रॉसेस जमाए हुए टीम डीई के प्लेयर अभी भी इंतजार में है और वो फाइट लेना चाहते हैं। टीम सेवन सीज भी अच्छे पॉइंट्स अपने लिए इस मैच से निकालना चाहती है, लेकिन जंप एंड पंच किया जा रहा है, अपने आप को लो रखा जा रहा है, कोई साउंड जनरेट नहीं करना चाह रहे। डीई के प्लेयर्स भी प्रोन डाउन है, दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ इंतजार किया जा रहा है, लेकिन लूट की जा रही है अलादीन की तरफ से। क्या अलादीन को अंदाजा है वहां पर उनका प्लेयर, कोई एक प्लेयर उनका इंतजार कर रहे हैं, क्या ये उनकी मौत के फिर से बनकर सामने आते हैं? शॉटगन वंस अगेन दैट इज राइट, लेकिन टीम सेवन सीज का स्क्वाड राइट ऑन टाइम आ जाता है कवर देने के लिए और मजबूर कर दिया जाता है डेड एज गाइस के प्लेयर को, टू रिलव को मजबूर करते हैं बैकफॉल करने के लिए बैकफुट पर रहने पर। लेकिन डीई के प्लेयर्स रीग्रुप करते हुए, टीम रात के प्लेयर्स थोड़ा घबरा चुके हैं, उनकी वही हालत है जो मेरी हालत है इस टाइम। लेकिन डी के चीफ वुजर्ड स्पॉट डाउन करते हैं, दो प्लेयर्स को गिराते हैं। व्हाट इज हैपनिंग हियर और डेविल हॉर्न्स जो इन्होंने लगाए हुए, ओह माय गॉड दैट वाज अ ब्यूटीफुल स्प्रे। टीम डी के चीफ वुजर्ड अपने लिए 7 किल्स अभी कंफर्म कर चुके हैं, 4 ही मिनट हुए थे अभी हमें इस मैच में आए हुए को, लेकिन सारंग अकेले प्लेयर है। क्या 1v3 हमें यहां पर देखने को मिलेगा अलादीन? सारंग यहाँ पर अकेले खड़े हुए, लेकिन डीई के प्लेयर्स कितने ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं इस वक्त के लिए, स्टिल वो पुश करना चाहते हैं। 3v1 फाइट है, बैक एंड पेस्ट भी आ रही है, लेकिन दे डोंट केयर, वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करना चाहते। रात के एक प्लेयर जो कि बचे हुए थे वो भी फॉल बैक कर रहे हैं, सारंग भी स्पॉट हो जाएंगे, टूडल अफसर फिर से उनको स्पॉट करते हैं। डेड आइज गाइज इस मैच के अंदर वाकई ही इनकी जो आंखें हैं वो जिसको भी उन आंखों से देखते हैं ऑब्वियसली मौत का समा उनके लिए बांध देते हैं। गोस्ट राइडर वाली आंखें यहाँ पर जब उनकी तरफ से मैं कहना चाहूँगा दिखाई जा रही है और हर उस प्लेयर की जो उनके सामने आता है उसकी सोल को जो है वो ये सक कर लेते हैं, खींच लेते हैं, निकाल देते हैं उसकी रूह को जो है वो निकाल देते हैं। लेकिन फिलहाल सारंग आगे बढ़ते हुए विदाउट शॉटगन डैमेज देने की कोशिश करेंगे, एक नॉक निकालते हुए शॉटगन पे क्लच कर सकते हैं, डैमेज देंगे, एक और डाउन करते हुए amazing performance from his side, 7C को ना सिर्फ 6 किल्स दिलाएंगे बल्कि DE